हाँ जी बेटा, साडा अज का जो टॉपिक आ पाइथन के विचों पाइथन डेटा टाइप्स का टॉपिक आ। तो डेटा टाइप जिस तरह सानू पहले भी पता है कि किसी भी वेरिएबल की डेटा टाइप जी वो आ डिसाइड करती है कि उस वेरिएबल च किस तरह का डेटा स्टोर किया जाएगा। जे फॉर एग्जाम्पल मैं किसी वेरिएबल की डेटा टाइप इंट लिख रहा, जिमें सपोज मैं वेरिएबल लिखा इंट ए, ठीक है, जे मैं इंट ए लिख रहा वेरिएबल नू, इहदा मतलब है वो जिहड़ा ए वेरिएबल आ उहदे विच हमेशा इंटीजर टाइप डाटा ही स्टोर किया जा सकता है। जे मैं उन्होंने लिखता फ्लोट बी लिखा, मैं मतलब बी बी दे विच हमेशा फ्लोटिंग टाइप डाटा डेसिमल पॉइंट डाटा ही सेव किया जा सकता है, ठीक है। इस करके वेरिएबल की डाटा टाइप आ चीज डिसाइड करती है कि उहदे विच किस तरह का डाटा स्टोर किया जाएगा, ठीक है। हुण पहला भी इस तो पहला मैं एक बार दस्या सी तुहानू जदों मैं वेरिएबल्स का कंसैप्ट दस्या सी पाइथन दे विच कि पाइथन दे विच डायनेमिक टाइपिंग हुंदी है। डायनेमिक टाइपिंग तो साडा मतलब आ कि पाइथन दे विच कोई भी वेरिएबल असी जदों यूज करदे आ ते जरूरी नहीं हैगा कि स्टार्टिंग तो असी उहदी डेटा टाइप मैंशन करके चलीए। जे सपोज मैं एक एक्स वेरिएबल लिया ते एक्स की जिहड़ी डेटा टाइप आ वो डिपेंड करेगी कि मैं एक्स नू केड़े तरह की वैल्यू असाइन कर रहा है, कंपाइल टाइम ते या फिर रन टाइम, ठीक है। इस करके एक्स की वैल्यू जे मैं 5 दे रहा हाँ तो ऑटोमैटिकली जो एक्स आ वो इंटीजर टाइप का बन जाएगा। जे मैं एक्स की वैल्यू 6.6 दे रहा तो ऑटोमैटिकली जो एक्स आ वो फ्लोटिंग टाइप बन जाएगा, ठीक है। जे मैं एक्स नू अपना नाम सपोज मेरा नाम रोहित आ तो मैं रोहित तो असाइन कर देना तो एक्स जो स्ट्रिंग टाइप या करैक्टर टाइप का बन जाएगा, ठीक है। इस करके ओदी जिहड़ी टाइप है वो डिपेंड करेगी कि उन्होंने किस तरह की वैल्यू असाइन की जा रही है, तो इन असं डायनेमिक टाइपिंग कहने हैं। इस तो पहला जिहड़ियां लैंग्वेजेस असीं पढ़िया सी या सी प्लस प्लस ओदे विच वेरिएबल की ऑलरेडी डेटा टाइप दसना सानू जरूरी हुंदा सी, तो उन्होंने असीं स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेजेस कहिंदे सी उन्हें, ठीक है। आ मेजर डिफरेंस आ स्टैटिक टाइपिंग टाइपिंग ते डायनेमिक टाइपिंग दे विच। उस तो बाद बेटा पाइथन दे विच साडे कोल 5 डेटा टाइप्स ने जिहड़ियां असीं पढ़नियां ने, वो 5 डेटा टाइप साढ़े सामने आ गिवन ने, 5 दियां 5 नंबर स्ट्रिंग लिस्ट टपल एंड डिक्शनरी। एंड नंबर्स वाली जी टाइप है तुसी पहला भी पढ़ चुके हो, स्ट्रिंग च कुछ नवी चीज़ा पढ़ा, लिस्ट टपल डिक्शनरी तेरे लिए टोटली न्यू है। आज के डिटेल देखा, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं बेटा नैक्सट तो। बेटा हम आवाज बेटा नैक्सट आप नंबर डेटा टाइप तो स्टार्ट कर रहे हैं पाइथन के। हुण बेटा जिहड़ी नंबर डेटा टाइप आ उहदे अंडर सब टाइप्स आंदियां ने साडे कोल 4, जिहड़ियां आपां उहदे च 2 टाइप्स 3 टाइप्स पहलां ऑलरेडी पढ़ चुके हाँ। इहदे विचों बेटा इंट लोंग फ्लोट इह असीं 3 टाइप्स पढ़ चुके हाँ। सानूं पता इंट दे विच इंटीजर टाइप डेटा स्टोर होएगा, लोंग ते जिहड़ा फ्लोट आ उहदे विच डेसीमल पॉइंट डेटा स्टोर होएगा। डेटा टाइप दोनों उहदे लई यूज कीतियां हुंदियां ने। कंपलैक्स जिहड़ी आ उह साडे कोल नवीं डेटा टाइप आ पाइथन दे विच। इस तों पहलां असीं कंपलैक्स डेटा टाइप नहीं पढ़ी, ना सी च पढ़ी है ते ना सी प्लस प्लस दे विच पढ़ी है। हुण बेटा जिहड़ा कंपलैक्स डेटा टाइप नूं समझण लई तुहानूं कंपलैक्स नंबर दा आइडिया होना बहुत जरूरी है कि कोई भी नंबर जिहड़ा कंपलैक्स नंबर कदों हुंदा है ना। जदों असीं किसे भी नंबर नूं एक्स प्लस जे वाई एस फॉर्म च बेटा रिप्रेजेंट कर सकीए उहनूं असीं कंपलैक्स नंबर कहिंदे हां। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ। ਹੁਣ ਐਕਸ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਐਕਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਆ, REAL ਰੀਅਲ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਈ ਆ ਉਹ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਪਾਰਟ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਬੇਟਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਪਾਰਟ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਾਇਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਚਾਹੀਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨੂਮੈਰਿਕ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪਸ ਦਾ ਪਾਇਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ 2 ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਵੇਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਪ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ TYPE, ਤੇ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜ਼ ਇਨਸਟਾਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਾਈਪ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਰਿਟਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਪਾ ਦਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਟਾਈਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਐਕਸ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਪ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਆ ਇੰਟੀਜਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲੋਟ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੈਕਟਰ ਟਾਈਪ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ।
इज इंस्टांस चेक करता है कि जेड़ा आपां उनू नंबर पास कर रहे हैं। सपोज मैं चेक करना चाहना 5 जेड़ा वो इंटीजर क्लास का इंस्टांस हैगा कि नहीं हैगा, है ना। 5 की जेड़ा वो इंटीजर क्लास का इंस्टांस हैगा या नहीं है, उधर ही बेटा असी इज इंस्टांस फंक्शन चेक करते हैं। जे ते वो नंबर उस क्लास का इंस्टांस निकल आया, जिमें 5 इंटीजर क्लास का इंस्टांस हैगा, ये मतलब आउटपुट आ जाएगी ट्रू, अदरवाइज आउटपुट आ जाएगी साढ़े को फॉल्स। एग्जाम्पल से देते हैं ध्यान नाल। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा असी एक्स नू वैल्यू पास कर रहे हैं, ये 5 वैल्यू पास की, मतलब एक्स जरा इंटीजर टाइप का बन गया। हम प्रिंट करवाया नैक्सट लाइन च एक्स, एक्स स्टैंड फॉर वैल्यू ऑफ द एक्स कॉमा इज ऑफ टाइप, इज ऑफ टाइप जरा डबल कोट्स लिखा गया, इसका क्या मैसेज नू रिप्रेजेंट करता है, मैसेज ही फॉर्म प्रिंट होएगा, वैल्यू प्रिंट होएगी 5 इज ऑफ टाइप, केडी टाइप का, टाइप ऑफ एक्स, एक्स की टाइप दसेगा, एक्स की टाइप केडी है इंटीजर, तो आंसर आ जाएगा 5 इज ऑफ टाइप इंटीजर, क्लास अगर लिखा गया क्योंकि एस क्लास का मैंबर है इंटीजर क्लास का। सिमिलरली उस तो बाद जो आप एक्स नू वैल्यू 5.5 पास कर दें, फिर मैं प्रिंट करता प्रिंट एक्स इज ऑफ टाइप टाइप ऑफ एक्स, याद किया आ जाएगा 5.5 इज ऑफ टाइप टाइप ऑफ एक्स, याद किया आएगी फ्लोट, ठीक है। लास्ट के मैं जो नंबर लै रहा हूँ वो कंपलैक्स नंबर है, मैं लिखा 1 + 5j, 1 रियल पार्ट आ 5 इमेजिनरी पार्ट आ। हूँ प्रिंट असं की करवा रहे हैं एक्स, यद मतलब 1 + 5j इज कंपलैक्स नंबर, असं चेक करना हम जो 1 + 5j कंपलैक्स नंबर हैगा या नहीं हैगा, उसके लिए फंक्शन यूज करा वो यूज करा इज इंस्टांस, ठीक है। इतने आ रहा है इज इंस्टांस, उन्होंने पास कर दिता कि नंबर 1 + 5j, तो इतने एक्स भी पास कर सकते हो 1 + 5j की जगह पर, 1 + 5j कॉमा लिख दिता कंपलैक्स, हूँ चेक करेगा जो 1 + 5j कंपलैक्स क्लास का मैंबर हैगा इंस्टांस हैगा या नहीं हैगा, क्योंकि ये कंपलैक्स नंबर ही है, ऐस करके इतने आ जाएगा 1 + 5j इज कंपलैक्स नंबर, तो आंसर आ जाएगा ट्रू, ठीक है। आ बेटा साढ़े को पाइथन दिया न्यूमेरिक डाटा टाइप सी साढ़े को, हाँ जी। हुण नैक्सट जी डाटा टाइप साढ़े को पाइथन दे विच आ स्ट्रिंग आ पाइथन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग सानू ऑलरेडी पता ही है कि जो असी एक सीरीज ऑफ करैक्टर लिख दें वो एक स्ट्रिंग आ साढ़े को, ठीक है। जी भी स्ट्रिंग आप लिख रहे हैं वो एक सीरीज ऑफ करैक्टर आ। हूँ जिदा मैं सपोज अपना नाम ही लिख दिता, मेरा नाम जड़ा है वो एक स्ट्रिंग आ, है ना। हुण पाइथन दे विच बेटा जदों असीं स्ट्रिंग लिखते हैं कोई भी उन्हूं असीं डबल कोट्स लिखते हैं हमेशा स्ट्रिंग नूं, जां तुसीं चाहो तो सिंगल कोट्स के विच भी असीं उन्हूं लिख सकते हैं, साडे कोल प्रोविजन आ, आपां दोनों तरीके नाल स्ट्रिंग नूं रिप्रेजेंट कर सकते हैं पाइथन दे विच। ते वंस जदों आपां स्ट्रिंग एक वारी बना दित्ती लिख दित्ती स्ट्रिंग, आपां उन्हूं बाद विच चेंज नहीं कर सकते स्ट्रिंग नूं कदी वी, उहदे विचों जे आपां एक करैक्टर चेंज करना चाहते हैं तो असीं उन्हूं चेंज नहीं कर सकते, इहनूं असीं कहिंदे इम्यूटेबल। पाइथन स्ट्रिंग इम्यूटेबल आ, इम्यूटेबल का मतलब कि जे सपोज आप एक बार स्ट्रिंग लिख दिती तो बाद में जो असं चाहते भी असं कोई करैक्टर चेंज करिए तो असं वह करैक्टर चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। उस तो बाद बेटा स्ट्रिंग दे विच असी हैंडलिंग किदा करनी है, स्ट्रिंग प्रिंट किदा करवानी है, पाइथन दे विच काम किदा करना है बेटा, वो असं एक ओपरेटर ये देखते हैं स्लाइस ओपरेटर कहने इनू आप, ये स्क्वेयर ब्रैकेट्स आते स्क्वेयर ब्रैकेट्स के अंदर कॉलन का निशान है, ठीक है। इनू आप स्लाइस ओपरेटर कहने पाइथन के हूँ इन्ना सानू पता भी जी स्ट्रिंग आ, जिदा सपोज मैं यह एग्जाम्पल देख रहा सामने, ये स्ट्रिंग STR ना की स्ट्रिंग असी लिखी है, स्ट्रिंग हैगी है हैलो पाइथन, ठीक है। तो स्ट्रिंग का जो बेटा इंडैक्स स्टार्ट होएगा वो इंडैक्स हमेशा 0 तो ही स्टार्ट होना है, तो मतलब जो हैलो का एच आ इंडैक्स 0 आ, ई का इंडैक्स 1 आ, फिर नैक्सट एल का 2 आ, उस तो बाद अगले एल का 3 आ, ओ का 4 आ, ठीक है। भी जिदा आप कहने एरे का इंडैक्स जो 0 तो स्टार्ट होंगे, स्ट्रिंग का इंडैक्स भी 0 तो ही स्टार्ट होंगे, इस करके एच के इंडैक्स तो स्टार्ट होएगा 0 तो स्टार्ट होएगा एच। उस तो बाद नैक्सट बेटा जिदा हम असी स्ट्रिंग नू प्रिंट करवाना, तो वो प्रिंट फंक्शन आप यूज करा, असी लिखा प्रिंट STR, तो आउटपुट साढ़े को आ जाएगी पूरी की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट होएगी, ये आउटपुट आएगी हैलो पाइथन, पूरी स्ट्रिंग जी आप लिखी है। फिर मैं प्रिंट करवाया STR, उन्होंने मैं ब्रैकेट च पास कर दिता 0, स्लाइस ओपरेटर यूज कर रहे हैं, ब्रैकेट च पास कर दिता स्क्वेयर ब्रैकेट च 0, तो यदा मतलब जो 0 इंडैक्स वाला स्ट्रिंग च करैक्टर आ वो प्रिंट हो जाएगा साढ़े को। 0 इंडैक्स से कड़ा करैक्टर है पहला, सब तो पहले एच या 0 इंडैक्स से, यदा मतलब आउटपुट आ जाएगी साढ़े को एच। फिर उस तो बाद नैक्सट तो फिर प्रिंट किया STR,
स्क्वेयर ब्रैकेट टू कॉलन स्क्वेयर ब्रैकेट बंद कर देती है, तो मतलब आ स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड करैक्टर, टू जरा इंडेक्स और तीजे करैक्टर नो रिप्रेजेंट करता है, 0 1 2 जीरो तो क्योंकि इंडेक्स स्टार्ट कर रहे हैं, टू जरा इंडेक्स और थर्ड करैक्टर नो रिप्रेजेंट करता है, मतलब थर्ड करैक्टर तो, थर्ड करैक्टर मतलब एल तो, जरा हेलो पाइथन था वो था थर्ड करैक्टर है एल, एच ई छोड़ दो, एल तो स्टार्ट करो तो पूरी स्ट्रिंग लास्ट तक प्रिंट होएगी, टू कॉलन, कॉलन तो बाद खाली जगह है, मतलब जदों तक स्ट्रिंग एंड नहीं हो जाती उदों तक इन प्रिंट करांगे, तो मतलब आउटपुट एल तो स्टार्ट होगी, एल एल ओ पाइथन, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड कैरेक्टर टू द लास्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। तो नेक्स्ट की कर रहे हैं बेटा, प्रिंट एसटीआर टू कॉलन सिक्स, हुण इहनूं ध्यान नाल समझना बेटा, इत्थे दोनों वैल्यूज गिवन है, टू कॉलन सिक्स स्ट्रिंग दे केस की है, टू रिप्रेजेंट थर्ड करैक्टर, इहदा मतलब थर्ड करैक्टर तो तुसीं स्टार्ट करना है, एल तो ही स्टार्ट होना है, मतलब सिक्स जिहड़ा दिता बेटा उहदे चों एक माइनस कर देवो, टू कॉलन सिक्स आ, सिक्स चों एक माइनस करो, सिक्स माइनस वन फाइव, मतलब तुसीं स्टार्ट करना थर्ड करैक्टर तो, प्रिंट कित्थों तक करना है, फिफ्थ करैक्टर तक, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड करैक्टर प्रिंट अप टू फिफ्थ करैक्टर, थर्ड हैगा साडे को एल, फोर्थ वी एल आ ते फिफ्थ ओ आ, मतलब आउटपुट आ जाएगी एल एल ते ओ, ठीक है, जिहड़ा सिक्स दिता है कॉलन तो बाद उहदे चों एक माइनस कर देना है, उस करैक्टर तक बेटा तुसीं आउटपुट नू प्रिंट करना है इहदे विच, ठीक है, उस बाद कुछ जिहड़े कनकैटिनेशन ते रेपीटेशन ऑपरेटर आंदा स्ट्रिंग दे विच साडे कोल, हुण बेटा प्लस साइन जिहड़ा कनकैटिनेशन लई आ स्ट्रिंग दे विच साडे कोल, ते जिहड़ा स्टार दा साइन आ वो रेपीटेशन लई आ, हुण जिद्दां दो स्ट्रिंग नू आपस कनकैटिनेट करना उहदे लई प्लस दा साइन यूज करांगे, ते जे एक स्ट्रिंग नू बार बार यू मल्टीप्लाई दो बार लिखना, तीन बार लिखना, चार बार लिखना, उहदे लई स्टार दा साइन यूज करांगे, जिद्दां हुण इत्थे आपां दो स्ट्रिंग्स लै के चल रहे हैं, एग्जाम्पल देखो ध्यान नाल, एक स्ट्रिंग हैलो आ, एक स्ट्रिंग वर्ल्ड आ, ते जे मैं प्रिंट कर रहा हैं एस टी आर वन इंटू टू आड़ा, मतलब जी स्ट्रिंग वन आ दो बार प्रिंट होएगी, जिहड़ी आउटपुट आएगी दो बार लिखा जाएगा स्ट्रिंग वन, क्योंकि हैलो आ दो बार लिखा जाएगा हैलो हैलो, मल्टीप्लाई बाय टू, जे मल्टीप्लाई बाय थ्री कर देंगे तुसी तो तीन बार इन्हें प्रिंट होना सी, उस तो बाद तुसी प्रिंट लिखा स्ट्रिंग वन प्लस स्ट्रिंग टू, दोनों स्ट्रिंग्स कनकैटिनेट हो जाएंगी, प्लस का ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, कनकैटिनेशन ऑपरेटर आ, ये आंसर आ जाएगा हैलो वर्ल्ड, दोनों कनकैटिनेट हो गई, तो लास्ट के प्रिंट किया बाय प्लस एस टी आर टू, बाय हूँ एक मैं अपनी स्ट्रिंग लैके चल रहे हैं, वो किनू कनकैटिनेट कर रहे हैं, जी स्ट्रिंग टू आ स्ट्रिंग टू की आ वर्ल्ड, तो आउटपुट आ जाएगी बाय वर्ल्ड, ठीक है, आउटपुट आ जाएगी तेरे को बाय वर्ल्ड। बेटा साढ़े को कुछ स्ट्रिंग के फंक्शन या इनबिल्ट फंक्शन जी स्ट्रिंग के सानू पाइथन के अवेलेबल आ, जिन्होंने असं यूज कर सकते हैं, हुण बेटा ये साढ़े को जी स्ट्रिंग गिवन आ, हुण बेटा स्ट्रिंग आ साढ़े को हैलो वर्ल्ड स्ट्रिंग आ, सब तो पहले प्रिंट की कर रहे हैं एल ई एन ऑफ एस टी आर, लेंथ, एल ई एन स्टैंड फॉर लेंथ, पहला फंक्शन है एल ई एन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, आ प्रिंट करेगा स्ट्रिंग दे विच टोटल किन्ने करैक्टर्स आ, ते इहदे विच जिहड़ी वाइट स्पेस आ, जिहड़ी स्पेस है सेंटर च हैलो ते वर्ल्ड दे विच, ओह वी नाल काउंट होएगी विच, ते टोटल करैक्टर काउंट करके देख लो हैलो वर्ल्ड दे इनकलूडिंग स्पेस, ओह 11 करैक्टर, आउटपुट आ जाएगी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 11, ठीक है, उस तो बाद नेक्स्ट एक काउंट फंक्शन, आपां जे काउंट करना होवे स्ट्रिंग च केड़ा करैक्टर किन्नी बार आ रहा, किन्नी बार सानू इनकाउंटर हो रहा वो करैक्टर, उहदे लई असीं एस टी आर फंक्शन जिहड़ा, सॉरी काउंट जिहड़ा फंक्शन आ वो यूज कर सकते हैं, तो उहदे लई बेटा प्रिंट करांगे स्ट्रिंग का ना एस टी आर, साडी स्ट्रिंग जिहड़ी आपां लिखी उहदा ना एस टी आर आ, डॉट पा के काउंट फंक्शन, इहदा काउंट की काउंट करना आपां स्ट्रिंग चों एल किन्ने आ स्ट्रिंग च, हुण स्ट्रिंग च किन्ने एल आ, दो एल हैलो च आ, एक एल वर्ल्ड च आ, टोटल आ गया आउटपुट आ गई थ्री, फिर अगले च आपां प्रिंट एस टी आर डॉट काउंट स्पेस आ, सिंगल कोट्स आपां खाली रखे आ, स्पेस इक्को ही आ हैलो ते वर्ल्ड दे विच, आउटपुट आ जाएगी वन, फिर उस तो बाद स्ट्रिंग नू अपर केस दे विच कन्वर्ट करना एस टी आर डॉट अपर फंक्शन, अपर फंक्शन करेगा स्ट्रिंग नू सारी नू अपर केस कन्वर्ट कर देगा, तो आउटपुट सारी अपर केस च आ जाएगी, सारे कैपिटल लेटर्स आ जाएंगे हैलो वर्ल्ड, फिर उस तो बाद है स्वैप केस, स्वैप केस का मतलब है बेटा स्ट्रिंग दे विच
ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਮਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਲ ਲੈਟਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਲੋ ਵਰਡ ਦਾ ਐਚ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਚ ਸਮਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਈ ਸਮਾਲ ਆ ਤੇ ਈ ਕੈਪੀਟਲ, ਬਾਕੀ ਲੈਟਰ ਸਾਰੇ ਕੈਪੀਟਲ। ਕੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵੈਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੋਅਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਪਰ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਪਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਅਰ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਰਿਪਲੇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦਾ, str ਡੋਟ ਰਿਪਲੇਸ, ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਨੂੰ, ਹੈਲੋ ਨੂੰ ਬਾਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏਗਾ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈਲੋ ਬਾਏ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਏ ਵਰਲਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪਸ ਦਾ ਪਾਇਥਨ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।